Assalamualaikum friends, this is Mohammed Hashim and you're watching HK English YouTube channel. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फैमिली मेंबर्स की इंग्लिश सीखेंगे. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. तो आओ दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सॉरी हमारा फर्स्ट अल्फाज है बाप. तो फ्रेंड्स बाप को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर. फादर फादर मतलब के बाप. तो फ्रेंड्स हमारा अगला अल्फाज है माँ. तो फ्रेंड्स माँ को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर. माँ को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर. मदर यानी कि माँ. मदर माँ. अगला अल्फाज है दोस्तों बेटी. तो दोस्तों बेटी को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर. डॉटर यानी कि बेटी. डॉटर. अगला अल्फाज है फ्रेंड्स सन. सन मतलब कि बेटा. तो फ्रेंड्स बेटे को हम इंग्लिश में कहते हैं सन मतलब के बेटा. सन. फ्रेंड्स अगला अल्फाज है सिस्टर मतलब कि बहन. सिस्टर बहन. तो फ्रेंड्स बहन को हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर. सिस्टर मतलब कि बहन. भाई. तो फ्रेंड्स भाई को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर. भाई. भाई को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर मतलब के भाई. अगला अल्फाज है फ्रेंड्स ग्रैंडफादर मतलब के दादा या नाना. ग्रैंडफादर मतलब कि दादा या नाना. ग्रैंडफादर. अगला अल्फाज है फ्रेंड्स ग्रैंडमदर मतलब कि दादी या नानी. ग्रैंडमदर दादी या फिर नानी. ग्रैंडमदर दादी या नानी. अंकल चचा. तो फ्रेंड्स अंकल का उर्दू में मतलब है चचा. अंकल मतलब चचा. तो फ्रेंड्स हमारा अगला अल्फाज है आंट. आंट मतलब कि ताई खाला या फिर चची. आंट मतलब ताई खाला या फिर चची. तो फ्रेंड अगला अल्फाज है भतीजा या भांजा. तो फ्रेंड भतीजे या भांजे को हम इंग्लिश में कहते हैं नीफ्यू. नीफ्यू मतलब के भतीजा या भांजा. नीफ्यू. तो फ्रेंड अगला अल्फाज है भतीजी या फिर भांजी. भांजी या भतीजी. तो फ्रेंड भांजी या भतीजी को हम इंग्लिश में नीस बोलते हैं. नीस. नीस मतलब के भांजी या भतीजी. नीस. अगला अल्फाज फ्रेंड्स बीवी. तो फ्रेंड्स बीवी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइफ. बीवी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइफ मतलब के बीवी. वाइफ. अगला अल्फाज फ्रेंड्स शोहर. तो फ्रेंड्स शोहर को हम इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड. हस्बैंड शोहर. हस्बैंड शोहर. अगला अल्फाज फ्रेंड्स सौतेली माँ. तो फ्रेंड्स सौतेली माँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप मदर. सौतेली माँ. स्टेप मदर. स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ. सौतेला बाप. तो फ्रेंड्स सौतेले बाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप फादर. स्टेप फादर मतलब कि सौतेला बाप. स्टेप फादर. सौतेला बाप. स्टेप फादर. अगला अल्फाज है फ्रेंड्स सिस्टर इन लॉ मतलब के साली. तो फ्रेंड्स साली को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ मतलब के साली. सिस्टर इन लॉ. साली. सिस्टर इन लॉ. तो फ्रेंड्स अगला अल्फाज है जेठ या साला. तो फ्रेंड्स जेठ या साले को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ मतलब के जेठ या साला. अगला अल्फाज है फ्रेंड्स ससुर. तो फ्रेंड्स ससुर को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ. फादर इन लॉ मतलब कि ससुर. फादर इन लॉ. ससुर. सास. तो फ्रेंड्स सास को हम इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ. मदर इन लॉ मतलब के सास. मदर इन लॉ. अगला अल्फाज है फ्रेंड दामाद. तो फ्रेंड दामाद को हम इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ. सन इन लॉ मतलब कि दामाद. सन इन लॉ. दामाद. अगला अल्फाज है फ्रेंड बहू. तो फ्रेंड बहू को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ मतलब कि बहू. अगला अल्फाज है फ्रेंड कुंवारा. तो फ्रेंड कुंवारे को हम इंग्लिश में कहते हैं बैचलर. बैचलर मतलब कि कुंवारा. बैचलर मतलब कि कुंवारा. शादीशुदा. तो फ्रेंड्स शादीशुदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैरिड. मैरिड. मैरिड मतलब कि शादीशुदा. मैरिड. माँ बाप. माँ बाप को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स. माँ बाप. माँ बाप को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स. पेरेंट्स. रिश्तेदार. तो फ्रेंड्स रिश्तेदार को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव्स. रिश्तेदार को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव्स. अगला अल्फाज है दोस्तों अडॉप्टेड डॉटर. अडॉप्टेड डॉटर मतलब कि गोदली बेटी. तो फ्रेंड्स हम गोद ली हुई बेटी को इंग्लिश में बोलते हैं अडॉप्टेड डॉटर मतलब कि गोद ली हुई बेटी. अडॉप्टेड डॉटर गोद ली हुई बेटी. अगला अल्फाज है क्लाइंट. तो फ्रेंड्स क्लाइंट की उर्दू में मीनिंग है मुवक्किल. क्लाइंट मतलब के मुवक्किल. क्लाइंट. तो फ्रेंड्स अगला अल्फाज है
गेस्ट मतलब कि मेहमान, गेस्ट मेहमान, गेस्ट। तो फ्रेंड अगला अल्फाज है शागिर्द। तो फ्रेंड शागिर्द को हम कहते हैं पीपल मतलब कि शागिर्द, पीपल शागिर्द। तो फ्रेंड शागिर्द को हम स्टूडेंट भी कहते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट या फिर पीपल मतलब कि शागिर्द। सो फ्रेंड आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। सो बाय गाइज।